मेजबान रमजान के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज। आपको मालूम है कि हम हर रोज एक नई जगह पर नए मेहमानों के साथ अफ्तार और डिनर करते हैं और ये डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से अमीन हफीज अफ्तार और डिनर का सामान खुद लेकर आते हैं और फिर मेहमानों के साथ गुल मिलकर अफ्तार और डिनर करते हैं। अमीन हफीज आज जिला कसूर के पाक भारत बॉर्डर गंडा सिंह बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और आज अफ्तारी करेंगे पाक रेंजर्स के गबरू जवानों के साथ। अमीन हफीज गुल मिल जाएंगे और फिर मालूम करेंगे कि वो सरहद पर मौजूद रहते हुए रोजे के साथ किस तरह वतन की हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। गंडा सिंह बॉर्डर पर अमीन हफीज डिस्कवर पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद हैं और इस वक्त गंडा सिंह बॉर्डर के विंग कमांडर मिस्टर सुहेब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। वेलकम सर। माशाल्लाह गंडा सिंह बॉर्डर पे पहुंच गए तो तबीयत खुश हो गई। अपने सरहदी मुहाफ़िज़ों को देखा है, इतने चाको चुबंद नौजवान, क्या बात है। वतन की हिफाजत के लिए क्या कहेंगे इन जवानों के बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब वी वेलकम यू हियर ऑन गंडा सिंह। और ये आप लोगों की मोहब्बत और एतमाद है जिसकी वजह से ये जवान हर रोज़ बॉर्डर के ऊपर दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के खड़े होते हैं और ये आप लोगों की मेहरबानी है। ये अवाम का एतमाद और बायस फ़ख्र हमारे लिए है। यही हमारे पास लाजवाल विरसा है और यही हम मुझे साथ लेके चलते हैं। अच्छा सर, रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना है और उस महीने में भी हमारे जो रेंजर्स के जवान हैं वो पाकिस्तान के सरहदी मुहाफ़िज़ हैं, तो बॉर्डर पर ड्यूटी और रमज़ान के हवाले से आप क्या कहेंगे सर? ऐसे देखें, रमज़ान क्योंकि ये इंसान का और अल्लाह से मामला है, अल्लाह जो उसके साथ जो हमारी जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर ड्यूट हैं उसके लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये कोई चीज़ इस तरह हमारे हर्डल नहीं रहती। हम लोग जिस वक्त वर्दी पहन के खड़े हो जाते हैं, रोज़ा रखा है या नहीं रखा, वो सारी चीज़ें असाइड हो जाती हैं और इस वतन के लिए उसी तरह जिस तरह नॉर्मल दिनों में ड्यूटी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसी तरह ये सारे जवान वैसे ड्यूटी करते हैं। ज़बरदस्त सर, ये जो बॉर्डर पे ड्यूटी हमारे जवान देते हैं और ये हर रोज़ परेड होती है और इसमें कोई नागा नहीं होता, तो इस परेड के हवाले से और जो जज्बा है, जोशो वलवला हमारे जवानों के अंदर होता है, उस बारे में बताइए। अच्छा जी, ये क्योंकि गंडा सिंह बॉर्डर पे हम मौजूद हैं तो गंडा सिंह बॉर्डर के ऊपर बिला नागा, बारिश हो ना हो, छुट्टी हो ना हो, ईद हो ना हो, लोगों का इसी तरह हजूम मौजूद रहता है। और जिस तरह मैंने पहले बात की थी, ये लोगों का विरसा है, ये हमारे पास लोगों का एतमाद और इज़्ज़त है जिसकी वजह से लोग इधर देखने आते हैं। और जो इंसान यहाँ से होके जाता है, ये मेरा वादा है आज आपसे, मैं दोबारा पूछूंगा कि जब आप इधर से वापस जाएंगे तो जो आपका एक वतन के लिए मोहब्बत है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम वापस भेजेंगे। इस वक्त सर डिस्कवर पाकिस्तान की टीम हर रोज़ एक नई जगह पर हम अफ्तार करते हैं और आज हमने गंडा सिंह बॉर्डर का इंतखाब किया है। आज हम आप और तमाम जवानों के साथ मिलके अफ्तार करेंगे, तो डिस्कवर पाकिस्तान के इस इकदाम को आप कैसे समझते हैं? जी माशाल्लाह, डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दिस इज़ हाउ पीपल लुक लाइक के जी, जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो लोग आपके साथ मिलते हैं, आप उनके साथ मिलते हैं, आपके तवज्जो से लाखों मिलियंस पीपल देखते हैं कि हम लोग जो यहाँ के ऊपर काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट इट कि आप हमारे पास आए और इंशाल्लाह आज का दिन आपका यादगार दिन गुजरे। सर अमीन हफीज आपको सलाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। थैंक यू। थैंक यू।
पंजाब रेंजर्स के अब एक ऐसे हम जवान से आपको मिलवाते हैं जो गंडा सिंह बॉर्डर पर गुज़िश्ता 30 साल से परेड में हिस्सा ले रहे हैं, और ये जब परेड करते हैं और ज़मीन पर ये जब पाँव मारते हैं और ये जब सीना तान के दुश्मन की तरफ देखते हैं तो ऐसे दुश्मन के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो हम अब्दुल अजीज़ रेंजर्स के जवान से बात करते हैं, आप जब परेड करते हैं क्या महसूस करते हैं, और खसूसन रमज़ानुल मुबारक में जब हम परेड करते हैं जो लोग परेड देखने आते हैं उनके जज्बे बहुत बुलंद होते हैं और हमारे उनसे भी 3 गुना ज़्यादा होते हैं। और जब आप परेड करते हैं तो उनके अंदर जोश जज्बा पाकिस्तान से मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप 30 साल से यहाँ पर परेड कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो माशाल्लाह ये दरो दीवार जुबानी हिफाज हो गई, सारा कुछ याद, सब कुछ याद है। तो अपनी परेड का कोई ऐसा कोई खुशगवार अच्छा सा वाकया हमें सुनाएं कि आप परेड में जब यहाँ पर कर रहे हो तो उस वक्त आपने क्या फील करते हैं? जब मैं परेड करता था तो इंडिया वाले बोलते थे कि उसको बदली करो यहाँ से, मैं ऐसे आंखें निकालता था उनका ऐसे कर। अच्छा, मतलब जब आप इंडिया की तरफ यूं करके देखते हैं कैसे देखते हैं दिखाएं, तो वो क्या कहते हैं कि ये जवान को बदले, इसकी आंखें देख के हमें डर लगता है। डर लगता है, तो डर लगना चाहिए। जब अब्दुल अजीज जैसे जवान पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ होंगे तो किसी की जुरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। अब्दुल अजीज जिंदाबाद। अब्दुल अजीज साहब का हाथ देखे, ओहो, इनका हाथ और अमीन हफीज साहब का हाथ, अब दूसरी तरफ दिखाएं, वाह क्या जबरदस्त। पता लग रहा है ना कि एक रेंजर्स के जवान का हाथ है और एक सहाफी का हाथ है, क्या बात है। हमारा पाकिस्तान रेंजर, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब जिंदाबाद। गंडा सिंह बॉर्डर पर रेंजर्स के जवानों के साथ अमीन हफीज मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से आज अमीन हफीज रेंजर्स के जवानों के साथ अफ्तार और डिनर करेंगे। इस वक्त हम सरहदी मुहावजों से पूछते हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में हमें क्या सुनाएंगे। जी आपको नाज शरीफ सुनाऊंगा जी। खालिद साहब आप बिस्मिल्लाह करें। शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और हमारा ये आसिम जवान हमें रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की मुनासबत से क्या सुनाएंगे? जी मैं आपको तलावत कुरान पाक सुनाऊंगा। तलावत कुरान मजीद सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जी शान साहब की तो धूम जो है वो बॉर्डर की दूसरी तरफ भी बहुत ज़्यादा है। जी शान, आज हमें रमज़ानुल मुबारक के हवाले से क्या सुना रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको दुरूद पाक और तिलावत कुरान पाक सुनाता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आत्मैना कल कौसर सल्ले रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का होलबत। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। हमारे वसीम भाई हमें क्या सुना रहे हैं आज? तिलावत कुरान पाक सुना रहे हैं। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास सदकल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत तिलावत की है। वक्त रेंजर्स के जवानों से परेड के हवाले से हम बात करते हैं। आप बताइए जी, जब परेड खत्म होती है और लोग परेड देखते हैं तो
तो उनके अंदर क्या जोश और बलबला हमने देखा है, तो आप क्या कहेंगे? जी, आवाम में बहुत जज्बा होता है, परेड के बाद भी हमके साथ तस्वीरें बनाते, बहुत खुश होते, बहुत खुश होकर जाके हम घर में बताते कि हमने गंडा सिंह बॉर्डर पर गए थे, और बहुत जना जोश जल्ब से जवान ने परेड की और बहुत खुश होकर जा सकते। माशाल्लाह, आप हमें बताएं जी, यहाँ पर गंडा सिंह बॉर्डर पे जो परेड है और रमज़ान मुबारक में आप इतनी मुश्किल परेड करते हैं, क्या कहेंगे? इसमें आपको कोई मुश्किल तो नहीं होती रोज़ा रखने के साथ साथ? जी बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, रोज़ा तो फर्ज है। हाँ जी, रोज़ा अपनी जगह पे और परेड अपनी जगह पे, परेड बिल्कुल उसी तरह है जैसे रोज़े के बगैर भी होती है। रोज़ा है तो मज़ीद ईमानी ताकत मजबूत होती है और बहुत मज़ा आता है। और जब आप परेड के दरमियान अपनी मूछों को ऐसे बल देते हैं और दुश्मन के ऊपर आपका खौफ तारी हो जाता है, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? आई एम मुस्लिम, हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और मान है आपको अपने इस ओहदे पर, अपनी यूनिफॉर्म पर? हमें फख्र है जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आप क्या कहेंगे जब लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारे रेंजर्स के जवानों को परेड करते देखते हैं, तो उस वक्त लोगों के जज्बात और आप क्या महसूस करते हैं? लोगों के जज्बात बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके जज्बात होते हैं कि हम भी ऐसे परेड करें, और वो बहुत खुश होते हैं हमें देख के, और वो कहते हैं हम भी बड़े होके रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहनेंगे, रेंजर्स में आएंगे, फौज में जाएंगे और पाकिस्तान के दिफा में अपना भरपूर किरदार, वो जोश और जज्बा बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। अच्छा, रमजान में आप बताएं आपको क्या तब्दीली होती है रमजान से पहले और अब रमजान में भी आप अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं? ड्यूटी सेम वैसे ही होती है। अच्छा, ठीक है, जज्बात हमारे वैसे ही होते हैं और रमजान में भी रूटीन वैसे ही होती है, ड्यूटी पहले रमजान, रमजान भी उसके साथ ही थे, वो रमजान एक मान का हिस्सा है और जो हमारी ड्यूटी वो ड्यूटी है, ड्यूटी ड्यूटी है। रमज़ान एक मुकद्दस महीना है, ईमान का हिस्सा है, और रमज़ान में हम और ज़्यादा वतन अज़ीज़ की हिफाजत और उसके परचम की सरबुलंदी के लिए कोशां रहते हैं। गंडा सिंह बॉर्डर के कमांडर इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब माशाल्लाह जवान हमारे परेड में हिस्सा ले रहे होते हैं, इनका जोश और जज्बा तो दीदनी है, लेकिन जो अवाम की इन्वॉल्वमेंट होती है जो परेड देखने आते हैं, मैं कहता हूँ उनका जज्बा तो उससे ज़्यादा बढ़ के होता है, आप इस पर रोशनी डालिए। अच्छा जी, इसमें इस तरह है कि जिस तरह नॉर्मली लोग परेड देखने के लिए आते हैं, आप किसी से भी जब इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको बताएगा कि वो जाने से पहले, फॉर इंस्टेंस अगर वो 100% पाकिस्तान से प्यार कर रहा है, तो जब वो परेड देखने के बाद वापस जाएगा तो दिस इज़ फॉर श्योर कि वो जाते हुए आपको बताएगा कि मेरा प्यार मल्टीप्लाई बाय 100 हो चुका है, मुझे 200% पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार है। तो ये माशाल्लाह जज्बात जो हैं वो इन्हीं लड़कों की वजह से आते हैं, और ये तो सारा कुछ जो है ये पाकिस्तान के लिए है। जब एक छोटा बच्चा आके आज गंडा सिंह परेड को जाके विटनेस करता है, तो अगले उस टाइम फ्रेम के लिए वो पाकिस्तान के सिर्फ नारा लगाता है जाके कि पाकिस्तान जिंदाबाद, यही हमारा विरसा है। अच्छा कमांडर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के जहाँ पर परेड होती है, बॉर्डर्स होती हैं, वो वाघा बॉर्डर है, वो ये हमारा गंडा सिंह बॉर्डर है और सुलेमान की बॉर्डर है, ये गंडा सिंह बॉर्डर की कोई ख़ास मुनफरिद हैसियत भी है परेड के हवाले से, वो कुछ बताइएगा। अच्छा जी, जो पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की तरफ से 3 बॉर्डर्स हैं जिनके ऊपर ये परेड की जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर, जिसमें वाघा बॉर्डर है, गंडा सिंह बॉर्डर है और तीसरा हेड सुलेमान की बॉर्डर है। गंडा सिंह बॉर्डर की मुनफरद हैसियत एक है, वो ये है कि सवाए गंडा सिंह बॉर्डर के, इन दोनों जगहों के ऊपर सवाए गंडा सिंह बॉर्डर के अलावा किसी जगह के ऊपर पाकिस्तान का जो परचम है वो इंडिया में नहीं उतरता, और इंडिया का जो परचम है वो पाकिस्तान में नहीं उतरता। जिस तरह आज आपने विटनेस भी किया है कि जो भारत का परचम है वो हमारे पाकिस्तान में उतरता है, क्रॉस ओवर होता है, और जो हमारा परचम है वो हमारा पंजाब रेंजर्स का लड़का वो उधर जाके उतारता है इंडिया में, और उसके बाद एक्सचेंज करके हम लेके आते हैं, और ये एक डिफरेंट ऑन इट्स ओन काइंड बॉर्डर की ये खूबी है, मुनफरिद हैसियत है। एग्जैक्टली, कि जो कि बाकी बॉर्डर के निस्बत इसको अयां करती है, बेहतर करती है। तो कमांडर साहब, ये बताइए जब पाकिस्तानी रेंजर्स का जवान इंडिया की तरफ जाता है और इंडिया का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान पाकिस्तान के प्रेमिसेस में आके अपना परचम उतारता है,
वीजा लेते हैं दोनों एक दूसरे मुल्क का? नहीं, वीजा तो नहीं लेते हैं, लेकिन ये वैसे परेड की एक हमारी परेड का ये हिस्सा है और दोनों में बाहमी अफहामत तो फ्री है। तो आप बॉर्डर पर दोनों सरहदी मुआवजों के हवाले से और अपनी परेड और अपने जवानों की कारकर्दगी के हवाले से कुछ बात बताइए। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितनी तारीफें अल्लाह की ज़ात की करूँ उतनी कम है कि अल्लाह ताला ने इस जगह के ऊपर मुझे कमांड का ये शर्फ बख्शा है। ये मेरे लिए बायस इज़्ज़त भी है और बायस फ़ख्र भी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आई एम हैप्पी टू सी यू हेयर ऑल्सो, आप हमारे पास आए, थैंक यू वेरी मच अगेन फ्रॉम पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब से। ज़बरदस्त, ये देखिए जी, आपने गंडा सिंह बॉर्डर पर जो हमारे कमांडर हैं शुएब साहब, आपने उनकी बातें सुनी और जो हमारे जवान हैं सरहदी मुहाफ़ज, आपने उनकी बातें सुनी। तो जो चीज़ अमीन हफीज़ इस वक्त कहना चाहते हैं, जो मेरी फीलिंग्स है, पर्सनल फीलिंग्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर अपने अपने रहने चाहिए, सरहदी लकीर बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन ख़त्ते में अमन, सलामती, खुशहाली का तकाजा है कि दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें। और इस मौके पर अभी अजान मगरब का वक्त हुआ चाहता है, हम इसका अजान मगरब का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जो है हम फिर अफ्तार और डिनर में जाएँगे। डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से अमीन हफीज़ ने आज गंडा सिंह बॉर्डर पर रेंजर्स पाकिस्तान, रेंजर्स पंजाब के जवानों के साथ अफ्तारी और डिनर किया, मज़ा आ गया। यकीन जानिए हम हर रोज़ नई जगह पर जाकर अफ्तार करते हैं, लेकिन जो मज़ा आज रेंजर्स के जवानों के साथ हमें आया, कमाल हो गया। इतने डिसिप्लिन का मुजाहरा रेंजर्स पंजाब के जवानों ने किया और खाने में प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी इन्होंने रखी कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, मैं पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका आपका कि आप लोग आए और हमारे साथ अफ्तार किया। थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस मेमोरी फॉर दिस पीपल फॉर माई सेल्फ। अभी हम आपको एक गिफ्ट देते हैं जो कि आपके साथ हमेशा रहेगा यादगार के तौर पर। वो क्या? दैट यू बीन टू हियर एट गंडा सिंह वाला कंप्लीट परेड के साथ, आपका गार्ड के साथ एक पिक्चर है। जबरदस्त, क्या बात है, विंग कमांडर साहब ने डिस्कवर पाकिस्तान की टीम के साथ और अपने सरहदी मुहाफ़ज़ों के साथ जो तस्वीर बनाई थी, मैंने तो समझा ऐसे ही तस्वीर है, लेकिन उन्होंने तो फौरी तौर पर फ्रेम करवा के हमें जो तोहफा दिया है, वाकई विंग कमांडर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये याद, स्वीट मेमोरी हमेशा हमारे साथ रहेगी। इससे पहले कि कल अब हम एक नई जगह पर नए मेहमानों के साथ अफ्तार करेंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान अमीन हफीज़ साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।